की तमाम मखलूकात की चाबी बनाई है कि ये इसकी बुनियाद पर दुनिया में सब कुछ होगा। हालात जो कुछ भी आएंगे वो हाथियों के ऊपर नहीं आएंगे। क्या हाथी बेअमल हो गए इसलिए आएंगे? नहीं। और चूंटी पर की बुनियाद पर नहीं आएंगे। हो गए इस दुनिया में अल्लाह पाक साहब कह रहे जहर अल फसाद फिल बर वल बहरे बीमा का सबत ऐदिन नास। जो कुछ दुनिया में उतार चढ़ाव होगा वो इंसानों के हाथों की करतूत की वजह से होगा। इसलिए मैन इंसान है। ये इंसान अपनी जात से बहुत कमजोर है। इंसान अपनी जात से बहुत कमजोर है। पैदा होने में कमजोर है, दुनिया में आया तो बहुत कमजोर, और अभी दुनिया में चल रहा है। लेकिन ऐसा पहलवान आदमी जो अखाड़ जब आता है तो ऐलान करता है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, लेकिन उसके 32 दांतों में से एक दांत में दर्द शुरू हो गया तो बोलो मछली की तरीके से तड़पेगा। ये इतना कमजोर है। हिम्मत अल्लाह ने इसमें इतनी दी है कि ये जमीन और आसमान की सारी चीजों को मुसख़र करता है। बड़े बड़े हाथियों को मुसख़र कर दिया, बड़े बड़े जानवरों को मुसख़र कर दिया, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से रास्ता निकाल दिया, तोड़ दिया। अल्लाह ने उसके लिए मुसख़र कर दिया। इसलिए हर इंसान में अल्लाह ने दो ताकतें दी, दो चीजें दी। एक थी दी है कुव्वते फिक्रिया, सोच की ताकत, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, हर इंसान में सोचने की ताकत है। और उसमें एक अजीब कमाल यह है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं जो सोचता हूं वो सही है, सबसे ज्यादा अच्छा मैं सोचता हूं। हर एक को अपनी अकल पर नाज है, मैं सोचता हूं। बाहर बैठा हुआ आदमी भी कह देगा अपने मुल्क के चलाने वाले मिनिस्टर को, कोई अक्ल है यार इसमें, कह देगा। हर इंसान में पहली चीज जो अल्लाह ने दी है वो कुव्वते फिक्रिया दी है, और हर इंसान में दूसरी चीज जो अल्लाह ने दी है वो कुव्वते अमल दी है। सोचा, इस पर मेहनत करो। तो फिर हक तआला शानु क्या कहते हैं, लैस लिल इंसान इल्ला मा सअ, जो मेहनत करता है अल्लाह उसको दे देते हैं। सही गलत ये बात की चीज है, जन्नत जहन्नम ये बात की चीज है। दुनिया में जिस चीज के लिए ये मेहनत करेगा अल्लाह कहते हैं हम उसको दे देंगे। ये हर इंसान में है और हम में से सब में है, और इसमें कोई मुसलमान गैर मुस्लिम कुछ नहीं है। सबको सोचने की ताकत भी दी है और कुव्वते अमल भी दिया है। जब सोचने और कुव्वते अमल को मिला देता है तो फिर उसका नतीजा आता है जो आप दुनिया में देख रहे हैं। पहले दुनिया में सड़कें नहीं थी, है ना, सब सड़क बननी चाहिए। जब भी शुरू हुई सड़क बननी वाले, पहले तो रेतीले रास्ते थे, इंसानों में आया उस पर उन्होंने मेहनत शुरू की, बननी शुरू हो गई। फिर साहब रास्ते में पानी के नाले आते हैं तो सड़कें टूट रही है, तो फिर जहनों में आया पुल बनना चाहिए, नीचे से पानी चला जाए ऊपर अपनी सड़क महफूज रहे, अल्लाह ने वो रास्ते निकाले। फिर साहब एक पहाड़ के ऊपर घूम करके जाने में 4 घंटे लग जाते हैं तो पहाड़ को तोड़ना चाहिए। कई ममालिक के जहन में आया कि साहब इस मुल्क से उस मुल्क में जाना है लेकिन बीच में दरिया पड़ता है, तो कई ममालिक ने ऐसे पुल बना दिए कि जो समंदर के ऊपर जा रहे हैं, नीचे समंदर और क्या हो रहा है। फिर आया कि वो नीचे थंबे गाड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो अब वो लटकते बिरी शुरू हो गए। कौन कर रहा है ये, बोलो, इंसान। इंसान में सोचता है फिर उस पर मेहनत करना शुरू कर देता, उसका नतीजा मिल जाता है।
खाना पकने में साहब देर हो रही है, गोश्त गलता ही नहीं है। कोई ऐसा बर्तन होना चाहिए कि जल्दी से चीज को गला दे। कुकर वजूद में आ गए, गैस वजूद में आ गया। अब ये यूरोप में है, पता नहीं यहाँ भी आया नहीं आया। यूरोप में ये है कि साहब बीवी भी नौकरी पर जाती है, मियाँ भी नौकरी पर जाता है, दोनों आते हैं। एक 4 बजे आती है, एक 6 बजे आता है। अब वो भी नौकरी करके आई, ये भी नौकरी करके, और भूख के आए हैं दोनों, क्या करेंगे? अब कंप्यूटर ईजाद हो गए, कंप्यूटर में सेट कर दिया, मंगल के दिन दाल चावल, बुध बुध के दिन फुला, बुध के दिन फुला, ये सारी चीज़ें, और उसमें सेट कर दिया। अब ये कि 4 बजे आने वाला है, तो 3 बजे खुद ब खुद ही कंप्यूटर हरकत में आता है, गैस जलता है, उसमें पानी आता है, फिर उसके बाद चावल आते हैं, फिर उसके बाद वो आता है। वो जब घर में दाखिल हुआ तो जैसे अभी पकाया है, तैयार है। किसने बताया? जिब्राइल ने आकर बताया। बोलो, इंसान ही है, इसके अंदर में कुव्वत फिक्रिया है। फिर कुव्वत फिक्रिया के बाद में खाली सोच 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 करेगा, नहीं चलेगा। अब उसके बाद कुव्वत अमल है। अब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने आकर इंसानों को यह समझाया कि ये दो ताकतें तो अल्लाह ने दी है तुम्हें, लेकिन इन दो ताकतों के जरिए से जिस चीज पर तुम मेहनत करोगे, वो चीज जितनी देर बाकी रहेगी उतनी देर वो काम की, फिर वो तुम्हारी मेहनत खत्म हो गई। एक आदमी ने बहुत अच्छा खाना खाना है फुला, अब उसने जहन में लिया कि साहब ऐसा खाना बनाने के लिए 2000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये कमाना शुरू किया, फिर उसकी चीजें लाना शुरू किया, मेहनत करता रहा, 4 महीने इधर उधर सब जमा करने के बाद में साहब वो चीज पकाई, पक गई, बैठे खाने खा ली। ये 4 महीने की मेहनत कितने घंटे में खत्म हो गई? अरे खाना हजम करने में तुम लोगों को 10 घंटे लगते हैं। उसने मेहनत लगाई खाने पर, और ये खाना जो है वो पेट में जाने के बाद में 2 घंटे के बाद पकाना, क्या मतलब? 4 महीने की मेहनत खत्म हो। किसी को ड्रेस का शौक हुआ, सब अच्छा कपड़ा लाना है, अब गरीब आदमी है, सब कहीं इधर उधर से जमा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कर करा करके मेहनत करके लाया पैसा, वो अब बना दिया अपने पसंद का, ये मेहनत कितने महीनों में खत्म हो जाएगी? वो कपड़ा जो है साल भर में, चलो बहुत ज्यादा चलाएंगे तो साल भर में वो मेहनत खत्म हो गई। मकान बनाने में किसी ने मेहनत की, जिंदगी भर की, यार ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ये डिजाइन हो, ये हो, फुला हो, ऐसा हो, ये हो, बना दिया। अल्लाह ना करे जलजला आया तो अचानक खत्म हो गई, सैलाब आया तो अचानक खत्म हो गई। अल्लाह सुल्तानी आसमानी आफतों से हम सब की हिफाजत करे, या तो फिर ये होगा कि वो गिर जाएगा, हम बाकी होंगे, या हम चले जाएंगे, वो रहेगा, लेकिन हमारा नफा तो कुछ दिनों के लिए फिर वो खत्म हो गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जिस बात को समझाया, वो बात ये समझाई कि असल तुम्हारा ये दुनिया जो है ये गुजरगाह है, असल तुम्हारे रहने की जगह जो है वो आखिरत है। अब अगर तुम अपनी कुव्वत फिक्रिया के जरिए से ऐसे आमाल पर मेहनत करोगे जो आमल तुम्हारी आखिरत में काम आएंगे, तो फिर वो हमेशा के लिए, वो मेहनत हमेशा के लिए काम आ जाए। मैंने अभी कोई दुनिया की बात की आपको हंसाने की, तो आप फौरन हंस गए, बात करा उसका वजन और उसका नफा खत्म हो गया। लेकिन मैंने अपनी जबान से पढ़ा सुभान अल्लाह, अब क्या है? एक दरख्त लगा। कितना बड़ा दरख्त लगेगा, ये कितना बड़ा होगा? उनका घोड़ा 500 साल चले तो भी वो खत्म नहीं होगा। कब तक बाकी रहेगा? उनका हमेशा के लिए, हमेशा। एक रोटी है, इस रोटी को मैंने खा लिया, 2 घंटे के बाद ये पकाना बन गई। उसी रोटी को मैंने किसी गरीब बच्चे को दे दिया, किसी गरीब आदमी को दे दिया, ये रोटी जमा हो गई। इसलिए अल्लाह ने इंसान को ताकत दी,
समझ भी दी है, ताकत भी दी है। अब ये लगाता कहां है, ये इसकी अकल पर है, ये इसकी सोच पर कि मैं कहां लगा रहा हूं। और हक ताला शानो वजूद बख्शते, जो भी मेहनत आदमी करता है अल्लाह उसका नतीजा देते हैं, सही करता है तो, गलत करता है तो, खत्म होने वाली चीज पर करता है तो, बाकी रहने वाली चीज पर खत्म रहता है तो। एक आदमी रात को सोया है, 10 बजे उसका दिमाग खुला, चलो बाहर बाहर निकला चोरी की नीयत से, तो अल्लाह में उसका पांव तोड़ देंगे, बोलो उसके रास्ते में पुलिस वाले को भेज देंगे, फरिश्ते को भेजेंगे, उसको उल्टा लटकाएगा ना, कर रहा कर। एक आदमी घर में सोया हुआ था कि यार नींद नहीं आ रही है, चलो उठो, उठा और उठ करके अल्लाह ने पैसा दिया हुआ था, कुछ चीज ली, निकला बाहर कोई गरीब के घर के, वो सब सोए हुए हैं, दरवाजे पर जाकर कुछ अनाज की बोरी रख करके चला आया, तो फरिश्ता रास्ते में इसको पैसे देगा ना, करके आ गया। जो जिस चीज को आदमी तय करेगा हक ताला शानहू उसके लिए उस चीज को आसान कर दे। अगर दुनिया तय करेगा तो उसका नफा थोड़े दिन का, जैसी चीज वैसा नफा, और अगर इसको किसी अमल पर करेगा तो उसका नफा बाकी है। फिर हक ताला शानहू ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है कि दुनिया में जितनी हमारी जरूरियात है उन जरूरियात का फैसला उसने पहले से कर दिया है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, किस कहाँ शादी करोगे, सब कुछ पहले से। दुनिया के मामलात में तो यह है कि इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेगा तो अल्लाह उसके लिए वो चीज को आसान कर देगा। अब मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे ऊंची निस्बत जो है, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी जो जमात थी वो नबियों की, सबसे प्यारी जमात अल्लाह की नबियों की, और नबियों में सबसे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने अपने प्यारों को अपनी प्यारी मेहनत दी, जो चीज अल्लाह को पसंद थी वो चीज अल्लाह ने दी, अल्लाह के चहीते लोग थे, इसलिए जो अल्लाह को पसंद थी वो तब सबको दी, और वो दावत की मेहनत। कोई नबी दावत की मेहनत से खाली नहीं, हर नबी को दावत की मेहनत अल्लाह ने दी, ये अल्लाह की बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जो दावत की मेहनत करेगा वो नबियों वाली मेहनत है, और नबियों वाली मेहनत के जरिए से अल्लाह से करीब होगा, और अल्लाह की सबसे ज्यादा जो मदद आई है वो नबियों पर आई है। तो जो दावत की मेहनत करेगा हक ताला शान हो कि उसकी ऐसी मदद करेंगे जैसे खुदा ने अपने नबियों की, उसका नफा बाकी रहेगा। फिर इसके अंदर में अल्लाह ने सारे मसाइल का हल रखा है। रोजी जब नबी को भेजा जाता था तो काम देकर भेजा जाता था, एक काम, काम क्या होता था कि साहब सबसे पहले जाकर लोगों को अल्लाह का तारुफ कराना। अब ये मजहबी चीज है, और मजहबी चीज हमेशा हसास होती है। आपका दोस्त है कोई दूसरे मजहब वाला, आपकी उससे बेतकल्लुफी है, आप कभी उसके कपड़ों की, कभी उसकी बातों की, कभी उसके खाने की, कभी उसकी गाड़ी की, कभी इसकी इधर उधर की बात करते रहे, छेड़ते रहे, यार तेरी गाड़ी है कि खटारा है जाना, एक तरह कपड़े, वो सब बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन किसी दिन आपने उसको उसके मजहब के मुताबिक छेड़ा तो बोलो ना, बोलो, आंख बदल जाएगी, बोलो हैं हैं, मरने मारे पर उड़ जाएगा। हसास मामला है। नबी आते थे दुनिया में तो सबसे पहली जो चीज छेड़ने की होती थी उसी हसास मामले की, या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, ए कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, पहले आते ही पहली जिम्मेदारी। और इतना हसा, अब पहला मसला यह है कि नबी की हिफाजत का रास्ता क्या है, वो तो अकेले आए, उनकी अपनी कौम खिलाफ हो गई,
उनके अपने रिश्तेदार खिलाफ हो गए, इनकी हिफाजत ये क्या है? कोई फरिश्ते अल्लाह ने नहीं भेजे उनका, आपकी हिफाजत भी दावत में छुपी हुई है। फिर हक ताला शानो, भाई जाहिर बात है कि वो इंसान थे, जिब्राइल की जमात में से थोड़े थे, उनकी भी शादियां हुई है, उनकी भी बीवियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी पेट है, खाना पीना, जिम्मेदारी जब से आई, इससे पहले अल्लाह के नबी ने सब चराया, बकरियां भी चराई, सब कुछ किया, लेकिन 40 साल के बाद सब उसे वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि आपके पास वक्त ही नहीं था। तो इनके रोजे का इंतजाम कर अल्लाह करेगा, इसमें अल्लाह ने छुपा रखा। लेकिन मामला क्या है मेरे दोस्तों? मामला यह है कि ये दीन और अल्लाह की मदद ये छुपी हुई चीज है, नजर नहीं आती। नजर आ जाए और चले तो क्या फर्क है? वो तो कुत्ते में भी है, कुत्ते को रोटी दिखाओ तो बोलो आएगा, भाग के आएगा, वो करीब आए और पास में डंडा पड़ा है, वो करके उठाने गए तो फिर भाग जाएगा, जितनी तेजी से आया था इतनी तेजी से भागेगा। तो ये तो कुत्ता भी करता है। हक ताला शानो सब कुछ वही कर रहे हैं, सारा खाना पीना सजदा सब कुछ वही दे रहे हैं, सारे मसाइल वही बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जात को भी और सब कुछ छुपा रखा है। शिफा वो देते लेकिन नजर ये आ रहा है कि साहब मैंने गोली खाई और मुझे शिफा मिली, पेट वो भरते, नजर आया साहब रोटी खाई और पेट भरा, कहीं अल्लाह नजर नहीं आएगा। प्यास वही बुझाते हैं, कामयाब वही करते हैं, नाकाम वही करते हैं, काम वही बनाते हैं, काम वही बिगाड़ते हैं, सब कुछ नहीं करते, लेकिन वो नजर नहीं आते। अब इस दुनिया में आदमी के चलने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो है कि जो आंख देखे, और एक रास्ता वो है कि जो कुरान में हदीस में अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए से खबर दी। अब उस यकीन की बुनियाद पर वो चला, कामयाब हो गया, लेकिन अल्लाह उसको आजमाएंगे। अलिफ लाम मीम महसब अन्नास यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों का ये गुमान है कि वो कहते हैं कि साहब हम ईमान लाए और हम उनको आजमाएंगे नहीं? वलकद फतन्ना लदीना मिन कब्लिन, पहलों को हम आजमा चुके हैं और देख लिया है हमने, हमने जान लिया है कि इनमें सच्चे कौन है, इनमें झूठे कौन है। हलाकत नजर आ रही है, उस हलाकत में ये चल रहा है कि साहब अल्लाह का अम्र है, बस एक ही बुनियादी बात है, अल्लाह का अम्र है, और अल्लाह का अम्र आबादी के लिए आता है, बर्बादी के लिए नहीं आता। बर्बादी नजर आती है, हमारी आंख का धोखा है। अल्लाह का अम्र, हमेशा ये बात याद रखिए, अल्लाह का अम्र आबादी के लिए आता है, अल्लाह का अम्र बर्बादी के लिए नहीं आता। और इसी को माँ हाजरा ने कहा था जब जंगल में ऐबान में छोड़ा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसान थे, भारी पड़ा, जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे और चलने लगे, पूछा मोहतरमा ने कहाँ जा रहे हो, जवाब नहीं दे सके, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, एक बच्चा है, एक औरत है और एक मर्द है, वो मर्द जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, पूरे जंगलात तक में कोई परिंदा नहीं, कहाँ जा रहे हो, खामोश। लेकिन वो अल्लाह वाले के घर की बीवी, नबी के घर की बीवी, समझ गए। फौरन तीसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है हमको यहाँ छोड़ दें, तो फिर कहा हाँ। अब उस वक्त में ये बुनियादी चीज समझो, हाजरा माँ ने क्या कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है जाओ जाओ जाओ, अल्लाह हमको जाये नहीं करेगा, खुदा के अवामिर बर्बादी के लिए नहीं आते, आबादी के लिए आते, वो खुदा आबाद करेगा। ये बुनियादी चीज है। हजरत साहबे किराम अल्लाह के दीन की मेहनत पर अपनी जान और माल को लगाया, लगाते लगाते घरों में फाके आ गए, लगाते लगाते पेट पर पत्थर आ गए, लगाते लगाते पांव में चीथड़े आ गए, लगाते चले गए। कितने दिन?
مدنی زندگی میں 6 ہجری پہلی سے لے کر 6 ہجری مسلسل حالات آئے، اور 6 میں خندق کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے. حالات بدلے، حالات بدلے، اور 10 ہجری تک میں 125,000 کا مجمع ہو گیا. 2.5 سال صدیق اکبر کی خلافت رہی، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مدینہ میں ذوالقرنین کے زمانے تک کے خزانوں کا مال مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا. قربانی دی، مدنی زندگی کے 10 سال ہے، حضرت ابو بکر کی زندگی کے 2.5 سال 12.5 سال میں حالات بدل دیے. یہ ہے عوامر پر آبادی، یہ آزمایا ہوا راستہ ہے، مضبوط راستہ ہے. اس لیے حق تعالیٰ شانو آزماتے ہیں. یہ محنت نبیوں والی محنت ہے، اس میں آدمی کو ایک عزم کرنا ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہی یہ طے ہے، لیکن جب بھی دعوت کا تقاضا آئے گا تو خدا اسے ایک گھاٹی سے گزار دے. میں یہ کہا کرتا ہوں بیچ میں ایک چھوٹی سی گھاٹی ہوتی ہے، آدمی کو یہ نظر آتا ہے صاحب اس گھاٹی سے جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا، جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا، اجڑ جاؤں گا، نظر ہی آتا ہے. اس گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے، بننے کے لیے اور اوپر جانے کے لیے امتحان لازمی ہے، ایگزام کے بغیر آدمی نہیں جاتا. تیسری کلاس کے بچے کو چوتھی کلاس میں جانا ہے، بیچ میں کیا آئے گا؟ امتحان ہے، ایگزام نہیں دیتا تو دوسرے سال بھی نہیں دیا، تو تیسرے سال بھی نہیں دیا تو نہیں رہے گا. یہ دین کی محنت ہے، اس میں آدمی بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. پھر حق تعالیٰ شانو ایک مرتبہ جس چیز سے پہلی کا امتحان دیا دوسری میں آیا، اب ڈاکٹر بننے تک میں یہ پہلی کا ایگزام دوبارہ آئے گا؟ بولو، گزر گیا. یہاں سے بمبئی جانا ہے، ایک پول آیا واپی کا، پھر دوسرا آئے گا، دوبارہ وہ آئے گا. اس کے بعد دائی جو رک جاتا ہے، وہ دائی جو پست ہو جاتا ہے، وہ یہی کہ جہاں امتحان آیا ان سب، اب وہ وہی متاثر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اس ایگزام سے پار ہو گیا، چلو آپ آگے بڑھو، چلو آگے بڑھو، چلو آگے بڑھو. صحابہ پر آئے، مکی زندگی میں حالات آئے، مدنی زندگی میں بدر آیا، بدر پھر دوبارہ نہیں آیا. جن حالات میں بدر آیا تھا ان حالات پہ دوبارہ نہیں آیا. احد آیا، احد جس حالات میں آیا پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا، بڑھتے گئے. یہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے جتنے ہمارے اکابرین، یہ کیا ہے؟ میرے آپ کے طریقے سے، ان کے بھی بچے، ان کے بھی ساری چیزیں چلے، اللہ نے قبول کیا، مشورہ میں طے ہوا، سب ترتیب بنی ہے، جانا ہے، جانا ہے. گزرے، پھر گزرے، پھر گزرے، پھر گزرے. شروع میں حالات آئے، صاحب پیسے نہیں ہیں، پھر قرضہ لیا، یہ لیا، چلو اللہ برباد نہیں کرے گا. بیوی کی بھی سن لی، رشتہ داروں کو بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے. اب ایک امتحان سے پار ہوئے، دوسرا، دوسرا آیا، تیسرا، تیسرا، چوتھا، چوتھے، پانچویں، اب وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اب کیا ہوا کہ صاحب وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے آتا ہے فیصلہ کہ بھائی مولانا اسماعیل صاحب آپ کو فروری میں جانا ہے فرانس. اچھی بات، کیا ان کے بیوی بچے نہیں؟ لیکن جن حالات سے ایک مرتبہ گزر گیا، پھر دوبارہ اللہ نہیں گزارے گا. اب آگے بڑھتے گئے، بڑھتے گئے. اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ کہ سب بوڑھا ہو چکا ہوں، چلنے کا مسئلہ. اب بہت سے اسی میں گھبرا کر بیٹھ گئے گھر میں، اور مولانا جیسے آدمی اسی حال میں چل رہا ہے، چلا رہا ہے. کبھی ساؤتھ افریقہ بھیج رہا ہے، کبھی آسٹریلیا بھیج رہا ہے، کبھی کہاں بھیج رہا ہے، کبھی ملک میں بھیج رہا ہے، کبھی کہاں بھیج رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ناکام نہیں ہوتا،
मेरे भाइयों, अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहनत में हमें लगाया है, बहुत बड़ी मेहनत में हमें लगाया है, लेकिन बुनियादी चीज यह है, जो कुछ हो रहा है वो हमारी तरफ से हो रहा है। हम वो चीज चाहते हैं जो आज तक खुदा ने नबियों के साथ नहीं की, हम वो चाहते हैं, नहीं होता है। हम वो चाहते हैं, हम पहले मदद चाहते हैं फिर तकाजा पूरा करना चाहते हैं, कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। खुदा का निजाम ही नहीं है, अल्लाह का निजाम ये नहीं है। काश्तकार, किसान, खेडूत पहले फसल लेता है कि पहले बीज डालता है? बीज डालता है। बोलो, बीज डालता है। अगर तुम में से कोई ये कहे कि पहले अल्लाह मियां फसल दे दे फिर मैं बीज डालूंगा, तो ना पहली बार तो ये करना करेगा, फिर खुदा फसल देगा, वो फसल को बाकी रखना अगले बीज में काम आएगा। पहले कॉलेज में वक्त देता है या पहले डॉक्टर की डिग्री मिलती है? पहले कॉलेज डिग्री दे देती है फिर कहती है 15 साल लगाई हो, क्या करते? पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। दुकान में पहले इन्वेस्टमेंट करते हो या पहले नफा लेते हो? बोलो, निजाम है उसका, ऐसी ये मेहनत है। लेकिन दुनिया की सारी मेहनतों मेहनतें जन्नी है, यकीनी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने बीज डाला है तो फसल लूंगा ही, कभी फसल बर्बाद भी हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने दुकान के अंदर में माल डाला है तो नफा लूंगा ही, जरूरी? ये जरूरी नहीं है कि मैं कॉलेज में साल दे रहा हूं तो मुझे डिग्री मिलेगी ही, ये सारी चीजें जन्नी, मिले भी ना भी मिले। लेकिन एक मेहनत जो अल्लाह ने दी है नबियों के जरिए से, उस मेहनत पर पक्का वादा है, वादा है, वादा है, वादा है कि मैं तुम्हारी मेहनत को जाये नहीं करूंगा, ये वादा। और तुम जिस नीयत से करोगे वो मैं दूंगा। वही नमा लिकुल इमरी मानवा, जो नीयत करोगे तुम, जिस चीज का इरादा कर लोगे और अपने दिल में बसा करके मेहनत और दुआ में लग जाओगे, मैं उस चीज को वजूद बख्शूंगा। उसका निजाम है, उसका निजाम है। लेकिन यकीनी कतई चीज जो है वो दीन है। इस दीन पर लगाने वाला कोई जाये नहीं हुआ, इस दीन पर लगाने वाला कोई बर्बाद नहीं हुआ, ये कतई है। अब आदमी जो अल्लाह से जैसा कहा ना, अनाइंद जन्य आप दी भी, जो मुझसे जो गुमान रखेगा मैं वो करूंगा। करना क्या है? अपने बस की मेहनत कर, दुआ मांग, करूंगा मैं, और तेरा जो गुमान है वो करूंगा। और एक हदीस में तो यहां तक फरमाया, फलियजुन मायशा, एक मर्तबा गुमान करके देख ले, देख ले। लेकिन ऐसे पक्की कतई चीज पर शैतान और नफ्स हमें शक में डालता है, और जो शक वाली चीज है उस पर हमें यकीन आ जाता है। बस बात यह है, इतना ही बस ये है। जो आबादी की मेहनत है वहां हमें उजाड़ नजर आता है, जो उजड़ने की मेहनत है वहां हमें आबादी नजर आती है। और इंसान उसी में फंसता है, और कुछ दिन फंसने के बाद हालात का शिकार हो जाता है और आखिरत उजड़ जाती है, और उसी चक्कर में मरकर चला जाता है। बुनियाद ये समझना है आज, ये मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें फैसला करना है हमें किस पर चलना है। एक बनिया भी दुनिया की चीजों की बुनियाद पर चलता है? नहीं, हमारी बुनियादें और हैं, हमारे सोचने के अंदाज और है, दुनिया में हमारे रहने के अंदाज और है,
जिनके पास ईमान नहीं है वो इसको सब कुछ समझते हैं, इसलिए कि आखिरत उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए ये कुछ नहीं है, हमारे लिए तो बुनियाद आखिरत है, आखिरत बनते हैं। और आखिरत के लिए जो मेहनत करता है, हक ताला शानो कहते हैं कि मैं उसके इसकी मदद करूंगा, मैं उसको मैं ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसको गुमान नहीं होगा, मैं ही हूं और मेरी बुनियाद पर वो चल रहा है। तो सबसे पहली चीज उसके ईमान मजबूत होता है, चीजों का यकीन निकलकर आमाल का यकीन आता है। जैसे एक आदमी के जेब में 5 लाख रुपए हैं और उसको ये यकीन है कि बाजार में जाकर जो चाहूंगा खरीद लूंगा, वो तो शक में है, हो सकता है कि पहुंचते पहुंचते वो 5 लाख रहे या ना रहे, और हो सकता है कि 5 लाख हो और वो काम उसका ना बने। लेकिन ये तो यकीनी है कि जहां मसाइल आए, 2 रकात नमाज पढ़ी और सल्लाह से कहा, वो अल्लाह कर देगा। लेकिन ये हक ताला शानो आजमाते हैं कि अब तक बोल तो रहा है उस्मान, तकरीर तो कर रहा है, लेकिन फिर तकाजे खुदा डालते हैं, अब बोल, अब बता, तेरी बीवी भी, तेरे बच्चे भी, तेरे पड़ोसी भी, तेरे रिश्तेदार भी, तेरे अब्बा भी, तेरे दोस्त भी, सब ये कह रहे हैं कि अभी 4 महीने गया तो उजड़ जाएगा। और वो रब ये कह रहा है कि मैंने अवामिर तुझे उजाड़ने के लिए नहीं दिए, इसमें मेरे तरफ से आबादी है, मैं आबाद करके करूंगा। उस यकीन की बुनियाद पर जब आदमी उठता है और एक चीज तय करता है, अब अंदाज लगाओ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक एक वसाइल खत्म हो गया है, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अब्बा जान चले गए, अभी छोटी सी उम्र में है अम्मी जान चली गई, दादा की गोद में बैठ रहे थे, कुछ सालों की उम्र है दादा चले गए, किफालत में आए अबू तालिब के खुद के माली हालात ऐसे हैं कि उनके कुछ बच्चे और रिश्तेदारों के यहां पल रहे थे, सारे असबाब नहीं, जितने वसाइल हो सकते थे वो सारे, कोई एक एक वसीला जो था दुनियावी लाइन के जो लोग समझते एक एक करके हटा लिया। और जिम्मेदारी क्या दी है, पूरा दीन पूरी दुनिया में कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए हम आपको नबी बनाकर भेज रहे। वक्त कितना मिला है, 40 साल की उम्र चली गई, 10 साल मदीना के, 13 साल मक्का के, रास्ता क्या है, बस दावत देते रहो, अपने बस की करते रहो, अल्लाह की तरफ से जो आए वो बर्दाश्त कर लो। और चुनाचे आज 1400 साल हो गए और पूरी दुनिया में जहां सूरज उगता है वहां से लेकर के जहां खत्म होता है वहां तक पूरे दिन अल्लाह अकबर की सदाएं चल रही है। किसने किया है? आप ये ना समझो कि मैं गरीब हूं, आप ये ना समझो मैं अनपढ़ हूं, आप ये ना समझो कि साहब मैं किसी और सूबे का मुसाफिर हूं, मुझसे क्या हो सकता है, यकीन हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कमजोर हैं, कोई दबा करके पत्थर मारे और यहां लगे तो यहीं लेट जाऊंगा, कमजोर। लेकिन जो रब है मेरा वो बड़ा ताकतवर है, वो एटम बम के बीच में बचा सकता है, रेल के बैतुल खला के उस सुराख से 4 या 5 महीने की बच्ची गिर जाती है और रेल पूरी उसके ऊपर से गुजर जाती है और पीछे जाकर देखा जाता है तो बच्ची वहां खेलती होती है, कौन बचा रहा है? अल्लाह। और उस मिनिस्टर के चारों तरफ में सारे डॉक्टर जमा है, बड़े से बड़े भारी भारी डॉक्टर, लेकिन एक भी उसकी जान नहीं बचा सकता, मसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह क्या हमें उजाड़ेगा? उसका दीन के काम करने पर खुदा हमें उजाड़ेगा? नहीं, ये हमारी नजरों का धोखा है। लेकिन बुनियाद ये है सबसे पहली चीज कि आदमी उस तकाजे को ले अपने ऊपर करना है, और एक अजम के साथ कि मुझे 4 महीने जाना है, मेहनतें करनी है, दुआएं करनी है, फिर हक ताला शानो उसे वो चीज देंगे। अल्लाह से कैसे लेना, अल्लाह से कैसे मांगना, हालात के जमाने में आदमी निकलता है वो बनता है,
मुझे याद है 2004 में आपके यहाँ भी हम लोग आए थे, हमारी जमात जो चली थी, इसमें हम नकद जमात 48 घंटे के अंदर अंदर वहां से 4 महीने की नकद जमात उठाकर रवाना करते थे। खैर हो गया। एक मतलब मैं सहारनपुर गया, एक आदमी आया, मैं पहुंचा, अभी तो सामान रख रहा था, और एक आदमी दौड़ता हुआ आया, एकदम गले से लग गया, दुआएं देने लगा। मैंने कहा, भाई कौन है आप? मैंने आप मोहन साहब आपने नहीं पहचाना? मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना, तो मैं सूरत का हूँ। अच्छा क्या है? उन्होंने कहा, मोहन साहब आप आए थे और वहाँ जो नकद तश्कीलें आपने की थी, जमातें बननी थी, मैं सामने बैठा हुआ था, आपने मुझे करीब बुलाया और अपने सर मेरे सर पर हाथ फेर करके कहा, हिम्मत करो, खुदा उजाड़ेगा नहीं, और मैं खड़ा हो गया था। उससे पहले मैं 3 मरतबा 4 महीने लगा चुका था, तकरीबन 20 से 25 चिल्ले लगा चुका था, लेकिन वो बात नहीं बनी थी। जब उस दिन नकद में उठा हूं, उस दिन से मेरा रब से इतना कनेक्शन हो गया हूं कि आज मेरे 10 साल हो गए उस दिन को, लेकिन आज भी मैं तहज्जुद में जब हाथ उठाता हूं तो हाथ उठने से पहले मेरी आंखों में से आंसू जारी हो जाते हैं, मेरे रब से मेरा ताल्लुक हो। खुदा उजाड़ते नहीं है, ये मेहनत उजाड़ने के लिए नहीं है, ये उजाड़ने के लिए नहीं है। दुनिया की सारी मेहनतों में उजाड़ के किससे मिलेंगे? हो सकता है कि लोग कहे, कल मैं लखपति था, आज मैं रोडपति हूं। देखोगे आप बड़े बड़े कारखाने वालों को रोडपति होते देखोगे, देखे होंगे। मस्जिदों में भीख मांगने वाले फकीर आए होंगे, साहब मेरा इतना बड़ा था लेकिन क्या करूं, मैं उजड़ गया, फुला हालात में उजड़ गया। लेकिन जिंदगी में एक आदमी भी आपने नहीं देखा होगा, मैं अल्लाह के दीन के तकाजे पूरा करता रहा और मैं फकीर हो गया, भाइयों मेरी मदद करो। ये रास्ता उजड़ने के लिए नहीं है, ये रास्ता आबादी के लिए है। खुदा उजाड़ते नहीं, लेकिन चॉइस आदमी को खुद करना होता है, फैसला उसे करना होता है। साहबा कुर्बानियों पर बाई चांस नहीं थे, चॉइस पर थे, उन्होंने उस रास्ते को चुना था। अल्लाह के नबी के सामने दोनों इख्तियार थे, कहें तो पहाड़ों को सोना बना दिया जाए, फरमाया नहीं, मैं अभी जहां हूं चॉइस, बाई चांस नहीं है, ये मेहनत है, इसमें खुदा उजाड़ते नहीं है। नजर आएगा साहब कैसे होगा, कैसे होगा, नजर आएगा, लेकिन खुदा दिखाएगा, आजमाएगा, खौफ से जो से नजर आजमाएगा, लेकिन नतीजा उसी पर। इसलिए मेरे भाइयों, देर मत, बहुत देर करते, बहुत देर कर दी, ये इज्तिमा हो गया, बहुत से खुश नसीब जा रहे, ये हमारे साथी आज किसी फैसले पर आओ, आज किसी फैसले पर आओ, आज तय करो कौन सा रास्ता लेना है, इन दुनिया वालों का, ये उजड़ने वालों का, या आबाद वालों का रास्ता लेना है, किस रुख पर हमें चलना है। बस वही है तय साहब, रब मुझे तेरा बनकर चलना है, मैं तेरा हो जाऊं तू मेरा हो जाए, तूने अगर मेरी किस्मत में फाके लिखे हैं मालिक बर्दाश्त है, मुझे तो उस रास्ते पर चलना है, और आज तक उस रास्ते पर कोई बर्बाद नहीं हुआ, उसका वादा है, दुनिया में 10 गुना बढ़ा कर देते, आखिरत में तो बेहिसाब देंगे। इज्जतें अगर अल्लाह की राह में लगाओगे, खुदा इज्जतें बढ़ा देंगे, जो भी इस राह में कुर्बान करोगे खुदा मदद करेंगे। आज ये मेरा मजमा, ओ मेरे भाइयों, क्या क्या तुम्हें अल्लाह ने सलाहियतें दी है, क्यों ऐसा से कमतरी का शिकार हो रहे हो, क्यों डर रहे हो, कौन सी चीज ने धोखे में डाला है? फैसले हैं, फैसले, देर आपकी तरफ से है, कहीं से देर नहीं है, खुदा की तरफ से नियामतों के दरवाजे खुलेंगे। सबसे बड़ी चीज खुदा अंदर का इत्मीनान और सुकून देंगे, खुदा आपकी औलाद में ऐसे बच्चे देंगे कि दुनिया तमन्ना करेगी कि काश मेरी औलाद ऐसी होती। तुम्हारी बीवियों की जिंदगियों में अगर दीन होगा, मैं नहीं कहता कि घर में माल बढ़ जाएगा, लेकिन बीवी आपके लिए सुकून की चीज होगी, आप बीवी के लिए सुकून की चीज होगी,
اور زندگی قابل رشک ہوگی. اس راستے پہ چلو. نظر آئے, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں نظر آئے گا, اجڑ جاؤں گا, کیسے ہوگا کیسے ہوگا, لیکن وہ اللہ کا معاملہ ہے. جس نیت پر اٹھو گے خدا مدد کرے گا. اس لیے بس اب بات لمبی نہیں کرتا. یہ مجمع ہر ایک سے میں کہہ رہا ہوں, اپنی ذات کو, میری بات کا مخاطب اپنی ذات کو, کسی کی تشکیل مت کرو, ہر ایک اپنی. کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری, فروری, مارچ. ان تین مہینے کے اندر اندر بہتر ہے جنوری میں چلے جاؤ, نہیں تو فروری, ورنہ مارچ اینڈ تک میں ہمیں چار مہینے کے لیے مجھے جاتا ہے. یہ ایک فیصلے پر آؤ. خدا اجاڑے گا نہیں, کرنے سے کام ہوں گے. سوچنے سے کام نہیں ہوا کرتے, خیالات سے کام نہیں ہوا کرتے, بیانات سے نہیں ہوا کرتے. وہ تو جب اٹھو گے پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اب ہمت کے ساتھ بتاؤ, ان تین مہینوں کے اندر اندر تم میں سے کون طے کرتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ارادہ نہیں تھا, حالات بہت ہے, خدا مجھے اجاڑے گا نہیں, میں انشاءاللہ اپنی ذات سے چار مہینے کے لیے تیار ہوں. ہمت کے ساتھ اٹھو, خدا مدد کرے گا. ادھر ادھر کی مت سوچو, وہی اللہ ہے جس نے آج تک چلایا ہے اور زندگیاں خدا بنائے گا. اور ہمت سے اٹھو, اور ہمت سے اٹھو, ادھر ادھر مت دیکھو, اپنے رب کی طرف دیکھو. میرا رب مجھے لے جائے گا, میرا رب میرے لیے آسان کرے گا. کیا ہوگا؟ فاقے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خدا نہیں اجاڑے گا. اور ہمت سے اٹھو, ہمت سے اٹھو. جنوری میں, فروری میں نہیں تو مارچ اینڈ تک میں مجھے چار مہینے جانا ہے انشاءاللہ. اور وہ, اور اٹھتے جاؤ, اٹھتے جاؤ, کرو فیصلے, کرو فیصلے. یہاں یہ وقت ہے, جو فیصلہ کرتا ہے خدا اسے قبول کر لیتے ہیں. اور ہمت سے اٹھو, اور اٹھو, اور اٹھو. دیر مت کرو بھیا, دیر مت کرو, کرو فیصلے. اور ہمت کرو, اور اٹھو, اور اٹھو. یہ باتیں جو ہے نا, میں اپنے لیے سوچوں, آپ اپنے لیے سوچو. کون سی چیز ہمیں اٹھنے نہیں دے رہی؟ تشکیل مت کرو. اے بھائی, اے بھائی, کھڑے رہو, اللہ کی طرح متوجہ رہو. اور ہمت سے اٹھو, اٹھو, کرو فیصلے. تین مہینے کے اندر اندر چار مہینے جانا ہے. اور کرو ہمت. اب مجھے نام لے کر کہنے پڑیں گے کچھ. فیصلے کرو. یہ ہے ہماری, ہمارا مجمع کریم ہے یہ پورے بلساڑ کا. بس یہ آیا ایک نیت پر, پورا بلساڑ اڑے گا. لیکن اگر ذہن میں یہ ہے کہ سارے فضائل دوسروں کے لیے ہیں, میں مسجد کا دھنی, میں حلقے کا دھنی, اور میرے لیے قربانی کچھ بھی نہیں ہے, تو تیری بات چل نہیں سکتی. اور دو تو عزم کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. فیصلے پر رہو. اور کون ہمت کرتا ہے؟ اور کون کرتا ہے؟ اچھی بات ہے, بیٹھ جاؤ. اب ایک کام دیکھو, اب یہ شیطان اکھاڑے گا, اکھڑی ہوگا نہیں. اب یہ ہر مسجد والے, ہر حلقے والے بیٹھے برابر, ہر مسجد والے, ہر مسجد والے بیٹھو. اللہ کی بنیاد پر طے کرو. جیسے مولانا نے بتایا, گھر گھر محنت وہی ہے, لیکن بس محنت میں اتنا ہے کہ نتیجہ کسی چیز کے پورا کرنے پر آتا ہے. گشت ہے, اس کو پورا کرو. تین دن ہے, اس کو پورا کرو. ملاقاتیں ہیں, اس کو پورا, اس کی جیسے جو ترتیب بتائی ایسے کرو, نتیجہ آئے گا. اب یہ مجمع, آپ حضرات کچھ عزائم کرو. اور حلقے کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, شہر کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, مسجد کی بنیاد پر طے کرو کہ یہ تین مہینے میں نے بتائے, جنوری, فروری, مارچ, ان تین مہینے کے اندر اندر ہماری مسجد میں ہم محنت کریں گے, گھر گھر جائیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اور ہماری مسجد سے چار مہینے کی جماعت ہم روانہ کریں گے. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ پھر دیکھو گے تم اللہ کی مدد کو. آج جو احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم میں کیا جوہر ہے, تم میں اللہ نے کیا طاقت دے رکھی ہے,
तुम्हारा अपने रब से कितना ताल्लुक है, एक बात तय करो, फिर देखो रब कितनी मदद करता है। अपने आप को थकाओ, इसके लिए बैठो, हर मस्जिद वाले बैठो और बैठ करके ये साथी खुद पहले अपनी जात से शुरू करो कि सब मैं तैयार हूं। अभी हम पिछले सफर में अहमदाबाद में थे, इसके बाद भावनगर में भी किया और जूनागढ़ में भी, इसी तरीके से मजमा माशाल्लाह जो पर्चे आए करने के साथ, मौल साहब हम 9 आदमी तैयार हैं, मौल साहब 11 आदमी तैयार हैं, जो बैठे थे उन्होंने अपनी जात से नियत की और बकिया की मेहनत, बाजों ने तो उसी वक्त में हमें वसूली भी बता दी कि हमने आपस में वसूली भी कर ली। उस आजम के साथ ये मजमा खुद अपनी जात का फैसला करो कि साहब ये 3 महीने के अंदर अंदर हमारी मस्जिद से 4 महीने की जमात निकालनी है, हम क्या करें, और उसके साथ मेहनत करें मस्जिद पर और मेहनत करके निकालें। इसके लिए तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, हाँ ये हुई बात। अब एक काम करो, मस्जिद वार बैठ जाओ, ये बॉर्डर पर है ना, शैतान उठाएगा, ये बहुत काम का वक्त है, आपका काम है बैठ जाओ, आपस में बात करो और एक तारीख तय करो, देर मत करियो, मार्च की तरफ ज्यादा मत जाइयो, इस तरफ आओ, जितनी जल्दी तारीख तय करोगे इतनी जल्दी। ए भाई मैंने अभी उठने को नहीं कहा बेटा, तारीख तय करो, फिर उसके ऊपर में आपका हलके का नाम, शहर हलका नंबर, मस्जिद का नाम और नीचे जो साथी तैयार है वो, और बाकी यह है कि फुला तारीख को, फुला महीने की फुला तारीख को वो जमात हम बनाएंगे, ठीक है। इतना करके एक पर्चा अपने पास रखो, एक पर्चा हमें दे दो। अब शोर मत करियो, ओ भाई आदत हो गई क्या, ओ भाई तुम मेरे ख्याल से घर में औरतों के पास ज्यादा रहते हो, बात पूरी सुनो फिर बातें करो, अभी भी कोई तो कर रहा है, इसलिए जल्दी नहीं, इत्मीनान से बैठ करके ये काम करके फिर उठना है, ठीक है, ठीक है भाई। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप खुद करो, मैं किसी का नाम लेकर अब तक नहीं कहा, हालांकि 2-4 चेहरे मेरे जहन में थे कि मैं बोलूं लेकिन नहीं बोला, और वो भी समझ गए हैं कि इसके जहन में कौन था, इसलिए माशाल्लाह आप बैठो और बैठ करके हर मस्जिद वाले हमें पर्चा दो। ये वापी वाले कहां बैठे, अरे हाथ ऊंचे करो ना, बस वही आपस में बैठ करके मस्जिद वार बैठ जाओ, ठीक है, बैठे हुए हैं, बस वही हल्का लगा दो अपना। बलसाड़ कहाँ है मेरा, हाय माशाल्लाह, और हमारा धर्मपुर, आओ धर्म ही लोग हैं, और नाना पुंडा है माशाल्लाह, थोड़े से आप लोग, लेकिन अब उठाऊंगा तो दरवाजा पहले आता है, वादा करते हो घबरा, हाँ तो वहां से उठ के पीछे चले जाओ तो तुमको जरा बैठने में सहूलत हो जाएगी, ये थोड़े फैल जाएंगे। अब बैठ जाओ, मस्जिद वार बैठो, इतना